नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस में दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रहा है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो बीजेपी के नेता और सांसद हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए दरअसल उन्होंने सुधीर गुप्ता पर निशाना साधा है। ये वही सुधीर गुप्ता है जिन्होंने पिछले कुछ दिन पहले कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की जो है रिपोर्ट कुछ पीआर मीडिया हाउसेस को, जो कि रिया चक्रवर्ती के लिए जस्टिस फॉर रिया चला रहे हैं, ऐसे चैनल्स को लीक कर दी थी और एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ है, उन्होंने सुसाइड की थी। इसे लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट सुधीर गुप्ता की तरफ से जारी की गई थी, दरअसल उसकी भनक स्वास्थ्य विभाग को थी ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब स्वास्थ्य विभाग से ये पता लगाया, क्या उनकी परमिशन के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है, लेकिन जो खुलासा हुआ है दोस्तों, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद किया है, कि स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। और जबकि दोस्तों रियलिटी यह है कि जब भी इस तरीके की रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है तो पहले स्वास्थ्य विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन के बाद इस तरीके की रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो सुधीर गुप्ता है, उन्होंने जो है न तो परमिशन ली स्वास्थ्य विभाग की, उनकी जानकारी के बिना ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी, तो क्या सुधीर गुप्ता के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, जो किसी भी अनऑफिशियल तरीके से मैं कहूंगा ये किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट के एथिक्स नहीं है, जहां पर ये कहा जाए कि जिस टीम को इतनी, जिस केस को इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो है इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, ऐसी सिचुएशन में आप एक जो है पीआर मीडिया हाउस जो बन चुका है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर वाली बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, हर दिन सुसाइड वाली थ्योरी चलाने पर जो है आमादा है, आप ऐसे चैनल को एक रिपोर्ट लीक करके आप क्या दिखाना चाहते हैं। इस चीज को लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुधीर गुप्ता के ऊपर जो है सवाल पूछे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैं दरअसल बाहर हूं, अभी मैं एक दो दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर मुझे आप लोगों के बीच में जरूर इसे शेयर करना चाहिए। दोस्तों दरअसल तमाम वीडियोज में ऐसे देख रहा था जहां पर सुधीर गुप्ता के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन फाइल करने की जो है बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके सस्पेंशन को लेकर लोग ऑनलाइन पिटीशन फाइल कर रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं सुधीर गुप्ता ने जो हरकत की है सुशांत केस में, लिहाजा उन्हें जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सवाल और पूछा है कि जो ग्लास था जो कि दावा किया जा रहा था, उनके नीरज कुक ने दावा किया था इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने कि उन्होंने 14 जून की सुबह सुशांत सिंह राजपूत को जूस पीने के लिए दिया था, तो वो गिलास कहां है, उसे प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जरूर उस गिलास पर या तो मैं कहूंगा जो मर्डरर थे या फिर ऐसे लोगों के जो है निशान होंगे जिसकी वजह से वो गिलास गायब कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों मैं पहले दिन से एक चीज बार बार पूछ रहा हूं कि जब सुशांत सिंह राजपूत का जो दरवाजा था उनका, उनके रूम का, जब वो खोला गया तो उनके रूम में अंदर चाबी थी, वो कहां है, क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने अंदर से गेट लॉक करके अगर फांसी लगाई होगी तो जाहिर सी बात है वो चाबी अंदर मिलनी चाहिए थी, वो चाबी अभी भी किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को नहीं मिली है। ये सारे जो सवाल हैं दोस्तों वो लगातार उठ खड़े हो रहे हैं, ये लोग चाहे कितनी भी बातें कर लें कि सुशांत का मर्डर नहीं हुआ, उन्होंने सुसाइड की, लेकिन इन सारी चीजों के आधार पर दोस्तों साफ तौर से ये चीजें इशारा करती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बर्बर तरीके से हत्या की गई है। इसके अलावा दोस्तों तमाम पीआर एजेंसीज, पीआर मीडिया हाउसेस सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड चला रहे हैं और जितने भी जो जस्टिस फॉर एसएसआर की जो मुहिम चल रही है उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सुशांत के फैंस हैं उनका मोराल जो है डाउन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं हर वीडियो में दोस्तों आप लोगों से अपील कर रहा हूं और एक बार मैं फिर से आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो आप लोगों ने ये जो सुशांत की मुहिम, जो सुशांत के केस की मुहिम इस जो है पड़ाव तक आप लेकर गए हैं, आप लोगों को शांत नहीं बैठना है, क्योंकि अगर हम लोग पहले से ही प्रशासन के भरोसे थे, आप लोगों को पता है कि प्रशासन ने सुशांत के केस में क्या किया, पुलिस की तरफ से क्या किया गया, तो आप लोगों की वजह से ही ये केस यहां तक पहुंचा है। चाहे कोई भी कितना भी आपको तोड़ने की कोशिश करे, हम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में
बात करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जाता। चीजें निकलकर सामने आ रही है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का भी अब एक तरीके से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है सेक्शन 302 की बात की कि बहुत देर हो गई, सीबीआई को अब 302 के तहत जो है अब मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रहा था, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।